गुरुजी नमस्ते। गुरुजी एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ आज। और गुरुजी प्रश्न ये है कि साइकिक अटैक दरअसल में है क्या और उससे कैसे बचा जाए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ लोग साइकिक अटैक इत्यादि बातों को नहीं मानते हैं। इस तरह की बातों को वो अंधश्रद्धा वगैरह मानते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात समझाना चाहूंगा, यदि किसी इंसान को कोई संक्रमित बीमारी हुई है और आप उनके संपर्क में जब आते हो तो क्या ये संभव है कि आपको भी वो संक्रमित बीमारी हो सकती है? बिल्कुल सही सत्य है कि आपको भी ये संक्रमित बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे शरीर का एक स्वास्थ्य होता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी होता है और उसी तरह हमारी चेतना का भी एक स्वास्थ्य होता है। जब हमारी चेतना किसी दूसरे व्यक्ति की चेतना से प्रभावित होती है उसे हम कहेंगे साइकिक अटैक। साइकिक अटैक दो तरीके का होता है। एक तो कहते हैं ना कि मीठी नजर लग जाएगी। कभी कभी माँ अपने बच्चे को काला टीका लगाती है क्योंकि बच्चे को किसी की नजर न लग जाए। कभी कभी माँ कहती है कि मेरे बच्चे को आपकी मीठी नजर लग जाएगी। तो ये मीठी नजर भी एक प्रकार का साइकिक, मतलब ये मीठी नजर भी क्या है, किसी व्यक्ति की चेतना दूसरी व्यक्ति की चेतना से प्रभावित होती है और इस प्रभाव के अच्छे बुरे असर हो सकते हैं। दूसरा होता है इंटेंडेड साइकिक अटैक, मतलब कोई इंसान किसी व्यक्ति के बारे में जानबूझ के नकारात्मक सोचता है तो भी ये नकारात्मक सोच उस व्यक्ति की चेतना को प्रभावित कर सकती है। पर यहां पर जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक सोचता है उसको भी उतना ही असर होता है। तो पहली बात तो साइकिक अटैक की जो बात है उसको इस तरह से समझना चाहिए, जैसे कहते हैं हर व्यक्ति का अपना एक आभा मंडल है। तो जब दो व्यक्ति एक दूसरे को मिलते हैं तो दोनों व्यक्ति के बीच में एक अदृश्य रूप से ऊर्जा का आदान प्रदान हो जाता है। और जब दो व्यक्ति मिलते हैं और दूसरे व्यक्ति की आभा में और दूसरे व्यक्ति की चेतना में किसी प्रकार की नकारात्मकता है तो जाहिर सी बात है कि दूसरा व्यक्ति उससे प्रभावित हो सकता है और उसका अच्छा या बुरा असर भी होता है। अब आते हैं इस बात पर कि इनसे कैसे बचा जाए। तो जैसे हमारे शरीर की एक इम्यून सिस्टम होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, वैसे ही हमारे चेतना की भी एक प्रतिकारक शक्ति होती है। इंसान की चेतना जितनी मजबूत है उस पर निर्भर ये करता है कि किसी दूसरे इंसान की चेतना से वो प्रभावित होगा या नहीं। तो इंसान को अपनी चेतना को मजबूत करना चाहिए। चेतना को मजबूत करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, जैसे योग के जरिए भी इंसान अपनी चेतना शक्ति को बढ़ा सकता है। और चेतना मजबूत कैसे होती है, प्राण ऊर्जा से। हमारे शरीर के अंदर जो प्राण ऊर्जा के रूप में बह रहा है उस प्राण ऊर्जा से हमारी चेतना मजबूत होती है। प्राणायाम से भी चेतना शक्ति मजबूत होती है, ध्यान से भी, ध्यान तप इत्यादि से इंसान की चेतना शक्ति मजबूत होती है। और जिस इंसान की चेतना शक्ति मजबूत है वह इंसान की चेतना किसी दूसरे इंसान की नकारात्मक ऊर्जा से कभी भी प्रभावित नहीं होगा। तो ध्यान रहे कि नजर लगना इत्यादि ये जो बातें हम करते हैं एक तरह से साइकिक अटैक के ही उदाहरण है। और जिस इंसान की चेतना शक्ति मजबूत होती है वह इंसान के पास भी दो विकल्प है कि अपनी चेतना शक्ति का उपयोग वो कैसे करता है, वो सकारात्मक रूप से करता है या नकारात्मक रूप से। कोई इंसान अपनी चेतना से दूसरी इंसान की चेतना को इरादतन नुकसान पहुंचा सकता है अगर उसमें वो क्षमता है तो, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा करने से उस इंसान को भी उतना ही नुकसान होगा जितना नुकसान वो दूसरे इंसान को पहुंचाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी चेतना शक्ति को और मजबूत करेंगे, योगा प्राणायाम ध्यान इत्यादि से अपने चेतना शक्ति को बढ़ाएंगे। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।